इस बार का छठ का कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग अभी? गंगा तट पे जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? छठ करना है कि आप लोग इस तरह बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी से हम लोग जा रहे हैं। नमस्कार दाब सत्यकाल एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ सम्राट उपाध्याय। आप सबको छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व जैसा सभी जानते हैं कि लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व के रूप में इसे जानते हैं। और आज मैं छठ घाट के उस छोर पे खड़ा हूँ जहाँ से यहाँ लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, और ये पटना का क्षेत्र है। और मैं आपको टूर कराऊंगा कि छठ घाट की जो तैयारी है वो कैसी इस बार की है। छठ पर्व 2024 का की तैयारी जो की गई है वो किस तरह से तैयारी की गई है, कैसा यहाँ पर बनाया गया है और किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या कुछ है देखने को, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और यहाँ से जो मैं आपको आगे लेकर चलूँगा तो वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक नदी है, जो माँ गंगे हैं, वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ की जो पूरी फुटेज है वो दिखाऊंगा कि किस तरह की यहाँ पर साफ सफाई है या फिर कैसा दिख रही है माँ गंगे का स्वरूप जो है वो कैसा दिख रहा है। मेरे वीडियो के साथ बनेंगे और लोगों से बाइट भी लेंगे, उनसे बातचीत भी होगी कि इस बार की तैयारी किस तरह की गई है। और ये पटना का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, जैसे पटनावासी यहाँ पर आएंगे पूजा करने के लिए, छठ व्रत को करने के लिए, तो देखिए किस तरह से तैयारी है। पूरी तरह से आपको माइक वगैरह का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, पार्किंग के लिए अलग जोन तैयार किया गया है। और ये जो क्षेत्र देख सकते हैं, ये पुल वगैरह जो है वो होकर आता है, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। भैया एक सेकंड रुक जाइए, आइए आइए। कहाँ से आ रहे हैं? बुधाकोली से आ रहे हैं। बुधाकोली, इस बार छठ की तैयारी कैसी है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। कहाँ गए थे? बांसघाट। बांसघाट गए थे, तो क्या देखे उधर? क्या देखे, उससे भी बढ़िया, पहले से भी बढ़िया घाट अबड़ी है। पहले से बढ़िया घाट, बढ़िया है? घाट है। आप क्या करते को हैं? हम यहाँ घूमने आए थे। अच्छा, यहाँ काम भी कर रहे थे। अभी फिलहाल तो घूमने ही आए थे। घूमने आए थे। छठ हो रहा है इस बार? छठ हो रहा। अच्छा, तैयारी है पूरा? तैयारी इसी घाट पे करना है, बांसे घाट पे। कितना दूर है नदी? कितनी दूर है नदी? लमसम 2.5 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से। यहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ेगी। सब साफ सफाई अच्छा से किया गया है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, रास्ता भी बढ़िया है, गाड़ी जा रही है। दो दो पार्किंग दिन है यहाँ, बड़ा दिन है, वो छोटा गाड़ी का आगे है, वो लाल कपड़ा दिख रहा है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर पैदल आदमी आराम से जा, आराम से 1 किलोमीटर पैदल। इधर आइए, थोड़ा भाई लोग भी है। इस बार छठ छठ का माहौल कैसा है? बढ़िया है, पहले बार से बहुत बढ़िया है। पहले बार से बढ़िया है, तो कहाँ गए थे उधर? डीजी में तेल देने के लिए हम लोग गए थे। अच्छा, हो रहा है घर पे छठ? तो कहाँ, यही पटना में हो रहा है कि कहीं और? पटना में हो रहा है। पटना में हो रहा है। कैसा है इस बार? आप तो घाट वगैरह इसी रूट से जाते हैं, घाट का कैसा है? घाट पूरा बढ़िया बना, साफ सुथरा है। अच्छा, तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा और कुछ ऐसा। देखिए थोड़ा सा इधर घुमाइए आप, एक बार इधर आइए, एक सेकंड है। हाँ, सीधा सीधा करना है। आइए मैम, इस बार का छठ का कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग अभी? गंगा तट पे जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? पूरा छठ करना है कि आप लोग इस तरह बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी से हम लोग जा रहे हैं। देखा आपने, कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जब आप आएंगे छठ के लिए ना, तो अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। मतलब एक आस्था है जो लोगों को जोड़ती है, तो इस पर्व की बात ही अलग है। और मैं आपको उस छोर तक ले चलूँगा जहाँ से आप साक्षात देखेंगे कि छठ को लोग कितना मानते हैं, इस पर्व को लोग कितना उत्साहित होते हैं इस पर्व को मनाने के लिए, आपको इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए और दिखाते हैं कि रास्ते कैसे हैं, कैसी तैयारी है, क्या कुछ है देखने को। अभी मैं पहुँचा हूँ छठ घाट के जो रास्ते में, अभी आधे रास्ते को मैंने तय किया और आधा रास्ता और बाकी है, जहाँ पर माँ गंगे आपको दिखेंगी, नदी का जो तट है वो आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से काम हो रहा है, JCB जो है इस रोड की किस तरह से आपको मैनेजमेंट करते हुए नजर आएगी, ताकि प्लेन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो छठ पर्व मनाने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और चारों तरफ आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग ही बैरिकेटिंग की गई है। मेरे चारों तरफ
बैरिकेटिंग के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर की गई है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर छठ घाट पे जाने के लिए, वो लोग ट्रिपल लोडिंग, कभी चार लोग, कभी पांच लोग ऑटो में ओवरलोडिंग आ रहे हैं, ये एक विषय है जिसपे कि थोड़ा सा सोचने और समझने की जरूरत है। हो सकता है कि आप ओवरलोडिंग आ रहे हैं और गिर जाएं, तो ये भी परेशानी का कारण बन सकता है। देखिए बहुत सारी चीजें आप जहाँ भी देखेंगे आपको कुछ इसी तरह का ये आपको दिखेगा, देख सकते हैं। और माहौल जो है कुछ आपको ऐसा दिखेगा, लोग बहुत सारे लोग जो हैं जो छठ को मानते हैं, छठ पर्व को मनाते हैं, आपको इसी रास्ते से आते जाते मिलेंगे। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं छठ घाट पर, और यहां पर पूजा पाठ जो है छठ के एक दिन जो पहले का टाइम होता है वो शुरू हो चुका है। और किस तरह तैयारी है यहां पर देखिए, लिखा हुआ है आई लव पटना, आई मतलब एक दिल है, उसके बाद लिखा हुआ है चकाचक पटना, कमाल का है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ पटना नगर निगम छठ पूजा स्वच्छता का महापर्व, क्या बात है। पटना नगर निगम काफ़ी एक्टिव है स्पेशली पटना में, और पटना का जो आपको माहौल दिखता है, चाहे वो गाड़ियों से छिड़काव होता है या फिर स्मोकिंग गन वाली जो गाड़ियां चलती हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। और मेरे थोड़ा अपोजिट में देखेंगे साक्षात आपको माँ गंगे दिख रही हैं। बैरिकेटिंग है क्योंकि अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। थोड़ा इधर दिखाइए, एक मेरे अपोजिट में देखेंगे कुछ इस तरह का आपको बैरिकेटिंग दिख रहा है। यहाँ से लोग आते हैं, आएंगे इस तरह छठ घाट को करने के लिए, और अनाउंसमेंट भी आप सुन रहे हैं, पीछे में अनाउंसमेंट चल रहा है ताकि छठ घाट में लोग किसी तरह की अनहोनी ना हो। पानी का जो बहाव है वो तेज होता है, तो एक दायरे में रहें। बहुत सारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है दिया जा रहा है। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर घाट पर। ये है बांस घाट का, यहाँ पर पटना में बहुत सारे घाट हैं, अनगिनत घाट हैं यहाँ पर। तो मैं जिस घाट पर खड़ा हूँ इसका नाम है बांस घाट, और यहाँ पर भी लोग छठ मनाने के लिए आते हैं और पूजा पाठ यहाँ पर बड़े धूमधाम से किया जाता है। ये देखिए आप किस तरह से लेबर लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। आप देखिए छठ घाट की तैयारी चल रही है, आइए इनसे भी बातचीत होगी। आप देख सकते हैं क्या माहौल बना हुआ है, देख पा रहे हैं, ये छठ की तैयारी है। क्योंकि छठ जो है बिहार का एक बड़ा पर्व है, और इस पर्व को मनाने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बहुत समय से लगे रहते हैं। और ये तैयारी आप देख सकते हैं कि सिर्फ सड़क को नहीं, आउटर में जो यहाँ पर जहाँ पूजा होती है उसको भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है, तैयार किया जाता है। देख सकते हैं चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। भैया कब से लगे हुए हैं आप? सुबह 9 बजे से। हाँ। कब से काम हो रहा है ये? कितने दिनों से काम हो रहा है? काम तो हो रहा है आठ दिन से हो रहा है। 8-10 दिन से हो रहा है काम। हाँ। तो आप लोगों को क्या मिला है? इस मिट्टी को कहाँ ले जाते हैं? घाट किनारे बिछाते हैं। गिल्ला गिल्ला माटी है जहाँ पर। अच्छा, जहाँ गीली मिट्टी है उसको आप लोग डालकर उसको मैनेज करते हैं ना? हाँ। ताकि वो गिली मिट्टी में किसी को चोट ना पहुँचे या फिर गिरे ना, है ना? क्या बात है, कितने लोगों की टीम है आपकी? टीम तो हम लोग 8-10 आदमी का टीम है। देखिए यहाँ पर मेरे अपोजिट में भी कुदाल वगैरह लेके लोग खड़े हैं, दिखाइए इनको, देख पा रहे हैं? एक आदमी जो है मिट्टी उठा रहा है, दूसरा आदमी मिट्टी कोड़ रहा है, क्या बात है, चिंता में लग रहे हैं। क्या टेंशन है क्या कुछ? नहीं कुछ के टेंशन। ये बताइए क्या नाम है? रवि कुमार। तो रवि जी क्या कर रहे हैं, क्या क्या काम मिला है आपको? मिला यही सब, साफ सफाई। उनका तो काम है कि उठाना, आपका काम क्या है? भरना। क्या बात है, और कितने लोग आपके साथ हैं? 20-25 लोग। सबका अलग अलग टीम बना हुआ है, सरकार के तरफ से हैं या फिर किसी अलग प्राइवेट NGO के तरफ से हैं या फिर किसी पर्सनल आदमी की तरफ से हैं? नहीं, जैसे कि हम लोग एक ठेकेदार होता है। अच्छा, वो बुलाए हैं, मतलब ठीका है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग हैं। क्या बात है, तैयारी बढ़िया से है इस बार की? बहुत बढ़िया है ना, क्या बात है। घर में छठ हो रहा है? नहीं, हम लोग का नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है, तो छठ तो रहेंगे यहाँ पटना ही में रहेंगे ना? तो यहीं रहेंगे, यहीं ड्यूटी है, तो यहीं। छठ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। क्या बात है, और भी लोगों से बातचीत होगी। देखिए आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से तैयारी है, क्या कुछ है आपको दिख रहा है, और देखिए लोग कितना एक्साइटेड होते हैं पर्व को मनाने में, देख पा रहे हैं, क्या बात है। क्या नाम है? अरे ये कह रहा है ना,
मैम स्वागत है आपका एक्सप्लोर वर्ल्ड में। थैंक यू। इस बार छठ कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, मम्मी कर रही है, हम नहीं कर रहे। अच्छा, छठ कैसा लग रहा है यहाँ का? फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी तक तो सही है। अभी तक सही है। अच्छा, छठ कैसा लगता है? बिहार का जो पर्व है आपको कैसा? बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ, और क्या, बहुत अच्छा पर्व है। तो आप लोग छठ मतलब देखने आए हैं या फिर पूजा है आज? नहीं, वो नहाने आए हैं खरना का। अच्छा। मम्मी के साथ आए देखने बस। तो आप लोग के घर पे हो रहा है? हाँ, घर पे हो रहा है। तो यहीं पे मनाएंगे, बास घाट पे ही मनाएगा? हाँ हाँ, यही मनाएंगे। और मैं उस तट पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, छठ पर्व को मनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। और कल पहला अर्घ है और उससे पहले का एक दिन है जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पूजा कर रही हैं। साक्षात आप देख सकते हैं पटना का ये क्षेत्र है, पटना बांस घाट का एक इलाका है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं और सारों घाट पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इस तरह से कुछ इस बार की तैयारी है। बैरिकेडिंग से पूरा पटना आपको एक जैसा नज़र आएगा, काफ़ी क्लीन है पटना नगर निगम का जो क्षेत्र है। आपको पूरा पटना को एक अलग ही रूप में दिखा रहा है इस बार। बैरिकेटिंग हो या फिर स्वच्छता हो या फिर मैनेजमेंट हो, सब कुछ आपको इस बार दिखेगा। यहाँ मेरे पीछे में देखिए, अगर मैं पीछे बात करूँ तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जिससे कि कंट्रोलिंग सिस्टम एक दूसरे का कम्युनिकेशन का जो मीडियम बन सकता है वो भी इस बार दिख रहा है। चारों तरफ आपको बैरिकेटिंग और झंडे लगाए गए हैं। NDRF की टीम भी आपको दिख रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले ही दिखाया कि यहाँ पर जो पटना का नगर निगम का जो क्षेत्र है किस तरह से तैयार किया गया है छठ पर्व को मनाने के लिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत को आपने देखा, रास्तों को देखा, मैनेजमेंट को देखा। और मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिस तट पर खड़ा हूँ ये गंगा नदी का तट है, माँ गंगे का साक्षात स्वरूप आप देख रहे हैं। और यहाँ पर किस तरह से बैरिकेटिंग और सुविधाएं दी गई हैं, साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि NDRF की टीम, अगर आप पानी में उतरते हैं, माँ गंगे के तट पे आते हैं, तो किसी तरह की दुर्घटना हो ना हो, यहाँ पर NDRF की टीम मौजूद है, गोताखोरों की टीम मौजूद है, मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ के जो पटना के DM साहब हैं उन्होंने भी सख्त निर्देश दिया कि किसी तरह का दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन है वो देखिए किस तरह से है। यहाँ पर जो NDRF की टीम है मेरे पीछे आपको देख सकते हैं बोर्ड पे नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर बैठ लेने की भी कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि हम नहीं देंगे, हमारे ऑफिसर देंगे। हो सकता है कुछ नियम कानून हो, और मैं भी नियम कानून का काफ़ी पालन करता हूँ, सरकारी नियम कानून अपने दायरे में होते हैं, लेकिन जो तैयारी है वो काफ़ी तंदुरुस्त नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको बोट ही बोट नज़र आएंगे, दो बोट वहाँ पर देखिए किस तरह से वो लोग गश्ती पर निकल गए हैं। आप देख, जैसे कि पुलिस अपने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर निकलती है, उनका भी गश्त दल है और वो लोग चारों तरफ आपको इस बार भ्रमण करते हुए नजर आएंगे, ताकि कोई भी इंसान अगर आप इस बैरिकेटिंग को पार करता है तो वो डूबे ना, उनको पूरी तरह से तैनात किया गया है। और इनकी भी टीम है, जैसे कि मैनेजमेंट में बहुत सारी टीम आपको नजर आ रही है, वैसे भी NDRF की बहुत सारी टीम है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है आपके प्रोटेक्शन के लिए। छठ पर्व को अच्छे से मनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्सप्लोर वर्ल्ड के लिए नए कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।